मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रोग्राम है लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम है किसके लिए? ये है लेमैन टू लॉमैन, सब जन सामान्य के लिए। और हमारा ये जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि जो जन सामान्य लीगल टर्म्स को, लीगल बातों को समझता नहीं और उसके परिणाम, दुष्परिणाम उनके सामने आते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। और जो लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट्स जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं लॉ को, वो जन सामान्य तक कैसे पहुँचे। तो मेन चीज़ ये है कि इसमें जो सामान्य शब्द होते हैं, जैसे आज का टॉपिक है जमानत, बेल। अब बेल तो बहुत सामान्य सा शब्द है कि साहब वो बेल हो गई, बेल मिल गई, बेल कब मिलेगी। साधारण से साधारण आदमी भी इस पर चर्चा करते हुए आराम से सुने जा सकते हैं कि साहब अब उसमें अगर कोई हो जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो बेल का क्या प्रोविज़न है, कितने दिन में बेल मिलेगी, ये सब चीज़ें। लेकिन इसकी थोड़ी सी ये नहीं जानते इसके कि टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। और वो टेक्निकलिटीज़ इसलिए नहीं बता रहे हैं कि सब कोई मुकदमा करने की जरूरत पड़े तभी आपको, ये जन सामान्य को जानना चाहिए। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्डर अभी जुलाई में दिया है, मैं आज उस पर भी चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम इस पर अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, ये समझ लेते हैं कि ये जमानत है क्या। तो जमानत मित्रों ये है कि जब कोई किसी के खिलाफ कोई FIR दर्ज हो जाए, कोई केस स्टार्ट हो जाए, तो उसको ये लगता है कि भाई आप इसमें तो अरेस्ट हो जाएंगे। तो अरेस्ट से बचने के लिए एक एप्लीकेशन जमानत कोर्ट के सामने दी जाती है और कोर्ट उस पर आदेश कर देता है कि नहीं ठीक है, आपको इनको अरेस्ट ना किया जाए। तो इसी आदेश को जो शब्द दिया गया वो है कि साहब जमानत मिल गई, जमानत बेल मिल गई, ये शब्द है। तो अब हम इससे पहले कि हम इसको आगे बढ़ाएँ, हम ये समझ लेते हैं कि ये जमानत होती कितने तरह की है, बेल जो है कि कितने प्रकार की होती है। तो जनरली हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो उसके हिसाब से हमने चार भागों में बांट दिया जमानत कितने प्रकार की होती है। नंबर एक रेगुलर बेल, नंबर दो डिफ़ॉल्ट बेल, नंबर तीन एंटिसिपेटरी बेल, और नंबर चार इंट्रिम बेल। तो ये सब चार तरह की बेल को हमने चार कैटेगरीज में बांट दिया। तो पहला क्या है, हम पहले टॉपिक पर चलते हैं। तो पहला टॉपिक है कि रेगुलर बेल। तो रेगुलर बेल की व्यवस्था CRPC के सेक्शन 437 और 439 में की गई है। अब क्या व्यवस्था की गई है ये तो मैं बता दूं। अगर किसी जब किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए तो उसके बाद जो एप्लीकेशन ये जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पड़ता है, उसको उस पर जो कोर्ट इनको ऑर्डर कर देता है वो रेगुलर बेल का ऑर्डर होता है। रेगुलर बेल उस समय मिल जाती है, और ये रेगुलर बेल जब तक ट्रायल चलता है तब तक के लिए होती है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि ये जब तक ट्रायल चलेगा, ये जिसको जिसके खिलाफ ये FIR हुई है वो ये सुनिश्चित कर दे जमानत के माध्यम से कि वो पूरा सहयोग करेगा, कोई साक्ष्य जो एविडेंसेस हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा, वहीं पर लोकल रहेगा, तारीख पर हाजिर होगा कोर्ट के सामने। ये सारी शर्तों के साथ में वो उनको जो मिल जाती है बेल, ये कब तक होती है, इसका टाइम होता है जब तक कि ट्रायल चलेगा। तो ये हो गया। लेकिन यही बेल अगर सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट के सामने जाती है तो वो उसको सेक्शन 439 के तहत जाती है। इस प्रकार की बेल से जो इसमें भी वही है कि जब तक एक बार बेल मिल गई, इसको रेगुलर बेल कहते हैं, और रेगुलर बेल तब तक होती है जब तक कि वो ट्रायल चलता रहता है, ट्रायल का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। दूसरी तरह की जो बेल है वो है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप। तो इसकी व्यवस्था की गई है CRPC के सेक्शन 167 में। 167 में जो व्यवस्था की गई है वो क्या है, इसमें ये कहा गया कि देखिए जब किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उसकी एक इंक्वायरी ऑफिसर तय हो जाता है पुलिस का, वो इंक्वायरी करता है, वो चार्जशीट देता है। तो कोर्ट का कहना ये है कि जिस समय चार्जशीट, जिस तारीख से उसको अरेस्ट किया गया, उसके अंदर जाँच कब तक पूरी हो जाएगी। तो जांच पूरी करने के लिए CRPC में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, क्यों की भी नहीं जा सकती, क्योंकि जांच किस तरह की है,
उसको जांच को प्रभावित तो नहीं किया जा सकता कि जल्दी करिए जल्दी करिए, जांच तो अपने स्टाइल से अपने समय पर पूरी होगी। उसके लिए कोई व्यवस्था ये नहीं कही गई कि इतने दिन के अंदर जांच करनी है। लेकिन 167 में ये कहा कि भाई अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया तो उसका क्राइम क्या है, किस क्राइम में किस अपराध में उसको अरेस्ट किया गया है, और उस अपराध की सज़ा अगर 10 साल या उससे ज़्यादा है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्टिंग मतलब गिरफ्तारी की तारीख से उसको 90 दिन के अंदर उसकी अपनी चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए। और अगर ये चार्जशीट 90 दिन में पुलिस दाखिल नहीं कर पाती है कोर्ट के सामने तो ये डिफ़ॉल्ट बेल ऑटोमेटिकली वो एक्यूज्ड का अधिकार वहाँ पे बन जाता है, डिफ़ॉल्ट बेल आ जाता है और उसको ये अधिकार बन जाता है कि साहब पुलिस जो है 90 दिन में चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई इसलिए उसको जमानत मिल जानी चाहिए और कोर्ट उसको जमानत दे देता है। क्यों? क्योंकि इस पर ये देख लेता है कि अपराध देख लेते हैं और उसका 90 डेज पूरे हो गए या नहीं। अगर 90 दिन पूरे हो गए और उसका जो क्राइम का जो उसकी सज़ा है वो 10 साल या उससे ज़्यादा की है तो उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है, इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। लेकिन अगर ये सज़ा उसकी जो है 10 साल से कम है तो ये उम्मीद की जाती है, ये अपेक्षा की जाती है कि पुलिस उसकी चार्जशीट 60 दिन में फाइल कर देगी, और अगर 60 दिन में वो फाइल नहीं कर पाई तो भी एक्यूज को डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्राइम की सज़ा जो है वो 10 साल से ज़्यादा है तो पुलिस को चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए 90 दिन में, लेकिन अगर उसकी क्राइम की सज़ा 10 साल से कम है तो उसको पुलिस को चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए 60 दिन के अंदर। और अगर ये ऐसा फाइल नहीं कर वो नहीं चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो कोर्ट जो है उसकी प्रार्थना पत्र आने पर ये चेक करके कि 60 दिन या 90 दिन जैसा भी मामला है पूरे हो गए हैं तो वो कोर्ट उसको बेल दे देता है और इस तरह की बेल को डिफ़ॉल्ट बेल कहा जाता है। लेकिन इसमें भी एक बात है, इसमें मेन बात यह है कि इसके लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में देना ज़रूरी है। ये ना समझें कि 90 दिन में वो चार्जशीट नहीं आई तो अब बेल हो जाएगी, इसके लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। और एप्लीकेशन फाइल करने से पूर्व अगर चार्जशीट आ गई, जैसे कि किसी ने 90 दिन 10 साल से ऊपर का केस है और 90 दिन से ज़्यादा हो गया, वो एक महीना हो गया नहीं दिया, तो अगर उसके एक महीने की एप्लीकेशन जो फाइल करनी है बेल की उससे पहले अगर चार्जशीट आ गई तो जो बेल मिलेगी वो डिफ़ॉल्ट बेल नहीं, उसको रेगुलर बेल कहा जाएगा, वो रेगुलर बेल हो जाएगी। तो ये रेगुलर बेल तो फिर वही ट्रायल के एंड तक चलती है। तो अब ये तीन तरह की क्लियर हो गया, दूसरी दो तरह की क्लियर हो गया, तीसरी बेल पे है कहलाती है एंटीसिपेटरी बेल। आपने नाम सुना होगा, सब लोग कहते हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए, इसको कहते हैं अग्रिम बेल। अब जैसे किसी को आशंका है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है, किसी केस में उसका नाम आ सकता है, तो वो आ गया है या आ सकता है, तो वो कोर्ट में अपनी एक एडवांस में अभी अरेस्ट होने से पहले ही एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि साहब उसको आशंका है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको एंटीसिपेटरी अग्रिम जमानत दे दी जाए। तो इसके लिए क्वेश्चन ये उठता है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, एप्लीकेशन को कोर्ट में ये प्रूफ भी करना पड़ता है कि क्या आशंका है, ऐसे कोई आशंका हो जाती है तो इसके लिए आशंका तो तभी होगी जबकि उसके खिलाफ FIR हो। तो व्यवस्था भले ही ऐसे नहीं लिखी गई है, कहा गया है, लेकिन FIR का होना ज़रूरी है। अगर FIR फाइल होने से भी पहले कोई कोर्ट में एप्लीकेशन लेके पहुंचता है तो कोर्ट उसको प्री मैच्योर मानता है और उसको खारिज कर देता है कि अभी तो मैच्योर ही नहीं है, वो कोई मामला ही नहीं बनता। अगर FIR में उसका नाम है तो कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन डाली जाती है। अब एंटीसिपेटरी बेल में जब ये एप्लीकेशन पड़ती है तो उसमें हमको कुछ प्रूफ करना पड़ता है। क्या प्रूफ करना पड़ता है कि साहब अपराध की में हमारा कोई लिंक नहीं है, हमारा मतलब जिस व्यक्ति का ये मैटर है वो ये प्रूफ करेगा कि ये अपराध जो बनाया गया है, जो क्राइम बनाया, इसमें तो वो था ही नहीं, इसमें तो वो दूर था, इसका जो भी वो अपनी एविडेंसेस हैं कि उसका उससे कोई लिंक नहीं है, या दूसरा उसका हेल्थ इशू, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके प्रमाण क्या हैं, चिकित्सीय मेडिकल के सर्टिफिकेट्स क्या हैं, या उसका एज फैक्टर, या कुछ ऐसी बातें जिसकी की वजह से उसको अरेस्ट अगर कर लिया गया तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए एडवांस में इसको एंटीसिपेटरी बेल वो चाहता है। कोर्ट अगर इन सारी बातों से संतुष्ट हो जाता है तो वो उसको एंटीसिपेटरी बेल दे देता है। सन 2018 से पहले
सभी मामलों में ये अप्लाई कर लिया जाता था कि कोई भी क्राइम हो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता था। लेकिन 2018 में व्यवस्था कर दी गई कि रेप का अगर कोई चार्ज है, रेप क्राइम का कोई संबंध है, तो उसमें एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन ख़त्म कर दिया गया कि अब उसमें प्रावधान नहीं है कि उसके लिए एंटिसिपेटरी रेप के केस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मैटर आया था, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्रिमिनल अपील नंबर 416 ऑफ 2018। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने इसको तय किया और इसमें उन्होंने कहा कि नहीं, एसटी और एससी के मामले जो हैं इस एक्ट से संबंधित मामलों में भी एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है। तो इस पर बड़ा हंगामा हुआ। हंगामे के बाद इसमें एसटी एससी एक्ट में एक सेक्शन जोड़ी गई 18A और उसको दोबारा से ऐसा कर दिया गया कि एंटिसिपेटरी बेल एससी एसटी एक्ट के मामले में अगर एफआईआर है तो उसमें भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। तो अब ये वाली बात क्लियर हो गई कि एंटिसिपेटरी बेल का किस तरह से अप्लाई किया जाएगा और कब उसको ग्रांट किया जा सकता है। अब चौथी तरह की एक बेल और है, इसको कहेंगे इंटरिम बेल। इंटरिम बेल माने अस्थाई बेल। अब इसमें मित्रों क्या होता है कि जब किसी कोई बेल एप्लीकेशन लेके जाता है कोर्ट में, कई सारे कॉज ऐसे हो जाते हैं जो कि इनकी तरफ से, एक्यूज की तरफ से तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कोर्ट की तरफ से कुछ कमियां ना होती हैं। जैसे कमी क्या कि आज कोर्ट नहीं बैठ रहा है, कोर्ट कई दिन तक नहीं बैठेगा, कोई जुरिडिक्शनल समस्या आ गई, या तो क्या किया जाए साहब, उसको तो आज ही जमानत चाहिए, नहीं तो वो तो बंद हो जाएगा, तो वो उसके लिए क्या किया जाए, कोर्ट बैठेगा 3 दिन बाद। तो जब तक के लिए टेम्प्रेरी 3 दिन के लिए एक जमानत दे दी जाती है, इसका टाइम इतना छोटा सा होता है कि इसको जब तक सब कोर्ट के सामने पुट अप ना हो आपका केस, तब तक इनको जमानत रहेगी, या जब तक कोर्ट ने हियरिंग करी और हियरिंग के समय आप कहा कि ये वाला डॉक्यूमेंट दिखलाइए, वो डॉक्यूमेंट लाने में तो 2 दिन लग जाएंगे, तो 2 दिन का टाइम दे दिया, लेकिन सब जब तक नुकसान ना हो जाए इसलिए 2 दिन के लिए भी ये टेम्प्रेरी बेल मिल जाती है और इसको कहते हैं इंटरिम बेल। ये कहते हैं अस्थाई बेल, जो कि जमानत सुनवाई के समय में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी मतलब कोर्ट की तरह से आप व्यवहारिक रूप से ये कहा जाए कि अगर ये समस्या आ गई कि इसकी हियरिंग आज संभव नहीं है, तो उसको जब तक उसकी हियरिंग ना हो जाए हो तब तक के लिए ये ग्रांट कर दी जाती है, इसको इंटरिम बेल कहते हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई मित्रों कि चार तरह से कि ये बेल कैटेगरी में आ गया और इन चारों को हमने इस पर देख लिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मामला जमानत से संबंधित अभी उनके सामने आया और इसको जुलाई 2022 में ऑनरेबल कोर्ट ने तय किया और इस पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है बेल के मामले में, और इसको इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस नीचे की देश की सारी अदालतों को और इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसीज को सबको दिए। तो अब हम उस पर आ जाते हैं। तो ये केस है सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, एसएलपी क्रिमिनल नंबर 5191 ऑफ 2021 और इसको डिसाइड किया 11 जुलाई 2022 में। अभी ये ऑर्डर कोर्ट ने दिया, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, इसमें डायरेक्शन दी गई हैं। तो मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हैं पहले उनको पढ़ता हूँ। पहले इसमें ये कहा गया, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड देयर ऑफिसर्स आर ड्यूली बाउंड टू कंप्लाई विद द मैंडेट ऑफ सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द कोड एंड द डायरेक्शंस इशूड बाय द कोर्ट इन अर्नेश कुमार केस। अर्नेश कुमार केस अभी सुप्रीम कोर्ट में ही एक ऑर्डर हुआ, उसमें भी डायरेक्शंस दी गई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। एनी डेरिलिक्शन ऑन देयर पार्ट हैज टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द हायर अथॉरिटीज बाय द कोर्ट फॉलोड बाय द एप्रोप्रिएट एक्शन। मतलब जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के आदेश और अर्नेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मतलब उनको करना ही होगा। ये डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस केस में दी।
अब और आगे क्या कहा, उनकी ओर से किसी भी लापरवाही को अदालत द्वारा उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए और उसके बाद उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर आगे क्या इसमें कहा गया, द कोर्ट्स विल हैव टू सेटिस्फाई themselves ऑन द कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द कोड, एनी नॉन कंप्लाइंस वुड एंटाइटल द accused फॉर ग्रांट ऑफ बेल। मीन्स इसमें कहा गया कि न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि जांच एजेंसी और सीआरपीसी की धारा 41 और 41A की व्यवस्था का पालन किया गया है या नहीं। सीआरपीसी की धारा 41 और 41A का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में जमानत के लिए जो अभियुक्त है वो हकदार माना जाएगा। तो मित्रों मेन चीज़ इसमें ये आ रही है कि कोर्ट ने स्पष्ट डायरेक्शन दे दिए कि धारा 41 और धारा 41A के जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो प्राविधान किए गए हैं, उनका पालन किया जाना जरूरी होगा हर हालत में। और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दिया गया कि सभी एजेंसियों को ये इसको इन्फॉर्म कर दें कि अगर उनके द्वारा इसको फॉलो नहीं किया गया तो उसको वो जो एक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, उसको जमानत देने का उसका राइट बन जाएगा और उसको जमानत मिल जानी चाहिए। इसके बाद आगे उन्होंने कहा, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टेड टू फैसिलिटेट स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड अंडर सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द कोड। मतलब सभी राज्य सरकारों एवं यूनियन टेरिटरीज को निर्देशित कर दिया गया कि वो सभी जांच एजेंसियों को आदेशित कर दें कि सीआरपीसी की धारा 41 और 41A की व्यवस्था का पालन प्रत्येक स्थिति में करना है। और सब इसके आगे कहा गया कि बेल एप्लीकेशन ऑट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 2 weeks एक्सेप्ट इफ द प्रोविजंस मैंडेट अदरवाइज विद द एक्सेप्शन बीइंग एन इंटरवेनिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस फॉर एंटिसिपेटरी बेल आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 6 weeks विद इन द एक्सेप्शन ऑफ एनी इंटरवेनिंग एप्लीकेशन। मतलब सीआरपीसी की धारा 437 जो कि मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन जाती है, तो सेक्शन 437 के अंदर 437 के अंतर्गत दी जाती है और 439 के अंतर्गत सेशन और हाईकोर्ट के सामने दी जाती है, उसके में एप्लीकेशन का निस्तारण डिस्पोजल इन एनी केस 2 हफ्ते के अंदर कर देना होगा। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट डायरेक्शन दे दी गई कि अगर सिवाय इसके कि प्रावधानों के अन्यथा कोई स्पेशल उसमें कंडीशंस ना लगी हुई हों, सामान्य स्थिति में 2 हफ्ते के अंदर बेल की जो एप्लीकेशन है उसकी फाइलिंग का डिस्पोजल 2 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। फिर आगे कहा गया कि अगर ये एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है तो इसका डिस्पोजल 6 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दे दी। लेकिन अब इसमें ये जानना चाहेंगे आप कि सर वो 41 और 41A क्या है। 41 और 41A में ये स्पेशल व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि इस तरह से अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसको कौन कौन से क्लॉज बाकायदा 1, 2, 3, 4, 5 सब बना दिए गए हैं, वो डिटेल हैं, उसको हम कभी किसी दूसरे वीडियो में लेकर के आपको क्लियर करेंगे। लेकिन इसमें ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि उसकी व्यवस्थाओं का अगर पालन नहीं किया गया तो ये अगर इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी या इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा, पुलिस के द्वारा अगर उनका नहीं फॉलो किया गया तो उसको बेल मिल जाएगी और वो बेल पाने का हकदार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से ये जमानत के संबंध में काफ़ी कुछ स्थिति क्लियर हो गई और अगर इसको आप डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे तो ये एंटिसिपेटरी बेल पर एक अलग से भी वीडियो मेरा आएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, तो उससे भी सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। नमस्कार।